जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेशनल हाईवे। इसमें हम दोस्तों देखेंगे कि नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है और वो किस स्थान को किस स्थान से जोड़ता है। तो दोस्तों हम देखते हैं नेशनल हाईवे जो 1 है हमारा, इसकी लंबाई दोस्तों है 456 किलोमीटर और यह दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है तथा भारत से पाकिस्तान सीमा तक यह फैला हुआ है। आगे दोस्तों हम देखते हैं जो नेशनल हाईवे 1A है, इसकी लंबाई दोस्तों है 663 किलोमीटर और दोस्तों यह जालंधर से उरी तक जुड़ा हुआ है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे 1B है, इसकी लंबाई दोस्तों है 274 किलोमीटर और दोस्तों यह बटोटे से खानावल तक आपस में जोड़ती है, बटोटे से खानावल तक जोड़ती है। आगे दोस्तों हम देखते हैं नेशनल हाईवे जो 1C है, इसकी लंबाई दोस्तों है 8 किलोमीटर। कितनी है? 8 किलोमीटर और यह डोमेल से कटरा तक को जोड़ती है, डोमेल से कटरा को जोड़ती है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे 1D है, इसकी लंबाई दोस्तों है 422 किलोमीटर और यह श्रीनगर से कारगिल को और लेह को जोड़ती है, श्रीनगर कारगिल और लेह को जोड़ती है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि नेशनल हाईवे जो 2 है, इसकी लंबाई दोस्तों है 1465। कितनी है? 1465 और दोस्तों यह दिल्ली से कोलकाता को जोड़ती है, दिल्ली से कोलकाता तक को जोड़ती है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि नेशनल हाईवे जो 2A है, तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो है 25 किलोमीटर। कितनी है? 25 किलोमीटर और दोस्तों यह सिकंदरा से भोगनीपुर तक जोड़ती है, सिकंदरा को भोगनीपुर तक जोड़ती है। और दोस्तों नेशनल हाईवे जो 2B है, इसकी लंबाई दोस्तों है 52 किलोमीटर और यह दोस्तों वर्धमान से बोलपुर तक, बोलपुर को जोड़ती है, वर्धमान से बोलपुर को जोड़ती है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो 3, तो इसकी जो दोस्तों लंबाई है वो है 1161 किलोमीटर। कितनी है? 1161 किलोमीटर और दोस्तों यह आगरा से मुंबई को जोड़ती है। दोस्तों आगरा से मुंबई को कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है? तो वह है 3। और दोस्तों देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग जो 4 है, तो ये दोस्तों थाड़े के पास राष्ट्रीय राजमार्ग से चेन्नई तक, ठीक है दोस्तों, जो थाड़े के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 3 है उससे लेकर चेन्नई तक को जोड़ती है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि जो नेशनल हाईवे 4A है, इसकी लंबाई दोस्तों है कितनी है? 153 किलोमीटर। कितनी है? 153 किलोमीटर और यह बेलगाम से पणजी तक को जोड़ता है, बेलगाम से पणजी तक को जोड़ता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे 4B है, इसकी लंबाई दोस्तों है 27 किलोमीटर। कितनी है? 27 किलोमीटर और दोस्तों यह नवा सेवा से पाल्स पे तक जोड़ती है, कहाँ से? नवा सेवा से पाल्स पे तक को जोड़ती है। और आगे दोस्तों हम देखते हैं जो नेशनल हाईवे हमारा 5 है, इसकी दोस्तों लंबाई है 1533 किलोमीटर। कितनी है? 1533 किलोमीटर और दोस्तों यह राष्ट्रीय राजमार्ग 6 से चेन्नई को जोड़ती है, राष्ट्रीय राजमार्ग 6 से चेन्नई तक को जोड़ती है। और दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग जो 5A है और इसकी लंबाई दोस्तों है 77 किलोमीटर। कितनी है? 77 किलोमीटर और यह जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 5 के पास से पारादीप बंदरगाह को जोड़ती है। और दोस्तों आगे देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग जो 6 है, इसकी लंबाई दोस्तों है 1949 किलोमीटर। कितनी है? 1949 किलोमीटर और दोस्तों यह हजारी से कोलकाता तक को जोड़ती है, किससे? हजारी से कोलकाता को जोड़ती है। आगे दोस्तों हम देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 7, तो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग जो 7 है, इसकी लंबाई दोस्तों है 2369 किलोमीटर। कितना है? 2369 किलोमीटर और यह वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ती है, किससे जोड़ती है? वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ती है। और दोस्तों नेशनल हाईवे जो हमारा 7A है, इसकी लंबाई दोस्तों है 51 किलोमीटर। कितनी है? 51 किलोमीटर और दोस्तों यह लयम कोट्टई से तूतीकोरिन बंदरगाह को जोड़ती है, किससे? लयम कोट्टई से तूतीकोरिन बंदरगाह को जोड़ती है। और दोस्तों नेशनल हाईवे जो 8 है, इसकी लंबाई दोस्तों है 1428 किलोमीटर। कितनी है? 1428 किलोमीटर और यह दिल्ली से मुंबई को जोड़ती है, दिल्ली से मुंबई को जोड़ती है। आगे दोस्तों हम देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग जो 8A है, तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो है 473 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 473 किलोमीटर है और यह अहमदाबाद से मांडवी को जोड़ती है,
अहमदाबाद से मांडवी को जोड़ती है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमारा नेशनल हाईवे 8B है उसकी लंबाई दोस्तों कितनी है, तो 206 किलोमीटर है और यह बामन बोर से पोरबंदर तक को जोड़ती है, बामन बोर से पोरबंदर को जोड़ती है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग 8C है इसकी लंबाई दोस्तों है 46 किलोमीटर, कितनी है 46 किलोमीटर और यह चिलोड़ा से सरखेज तक को जोड़ती है, किसे चिलोड़ा से सरखेज को जोड़ती है। आगे दोस्तों हम देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमारा 8D है इसकी दोस्तों लंबाई कितनी है, यह है 127 किलोमीटर जो कि जेतपुर से सोमनाथ को जोड़ती है, जेतपुर से सोमनाथ को जोड़ती है। और दोस्तों हम देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग जो 8E है उस दोस्तों सोमनाथ से भावनगर को जोड़ती है और इसकी लंबाई कितनी है 220 किलोमीटर। और दोस्तों नेशनल हाईवे दोस्तों कौन सा है, नेशनल जो राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल NE है ये है दोस्तों 93 किलोमीटर और यह अहमदाबाद से बड़ोदरा को जोड़ती है। और दोस्तों आगे आता है हमारा एक्सप्रेस वे राष्ट्रीय जलमार्ग, एक्सप्रेस वे राष्ट्रीय राजमार्ग तो ये है दोस्तों 9 किलोमीटर इसका, सॉरी दोस्तों ये जो एक्सप्रेस वे राष्ट्रीय राजमार्ग जो 9 है इसकी लंबाई दोस्तों है 841 किलोमीटर और यह मूड़े से मछलीपट्टनम को जोड़ती है। और दोस्तों हम देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग जो 10 है इसकी लंबाई दोस्तों है 403 किलोमीटर, कितनी है 403 किलोमीटर है और यह दिल्ली से फजिलका तथा भारत पाकिस्तान से सीमा तक फैला हुआ है। और दोस्तों हम देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग जो 11 है इसकी जो लंबाई दोस्तों है ये है 582 किलोमीटर और यह आगरा से बीकानेर तक है, ठीक है दोस्तों आगरा से बीकानेर तक है। और दोस्तों हम देखते हैं आगे राष्ट्रीय राजमार्ग जो 11A है इसकी दोस्तों जो लंबाई है वो है 145 किलोमीटर, कितनी है 145 किलोमीटर और यह मनोहरपुर से कोथम तक को जोड़ती है, मनोहरपुर से कोथम तक को जोड़ती है। और दोस्तों नेशनल हाईवे जो 11B है उसकी लंबाई 180 किलोमीटर है, कितनी है 180 किलोमीटर जो कि लालसोट से धौलपुर तक है। और दोस्तों नेशनल हाईवे जो 12 है उसकी लंबाई 890 किलोमीटर है और यह जबलपुर से जयपुर तक है। और दोस्तों जो नेशनल हाईवे 12A है इसकी लंबाई 333 किलोमीटर है और यह जबलपुर से झांसी तक है। और दोस्तों नेशनल हाईवे जो 13 है इसकी लंबाई दोस्तों है 691 किलोमीटर और यह सोलापुर से मंगलोर तक है, सोलापुर से मंगलोर तक है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 14 है दोस्तों तो इसकी लंबाई 450 किलोमीटर है और यह विवार से राधापुर तक है, कहाँ से विवार से राधापुर तक है। और दोस्तों आगे देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमारा 15 है इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है 1526 किलोमीटर और यह पठानकोट से समाखियाली तक जोड़ती है। आगे दोस्तों हम देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग जो 16 है उसकी लंबाई 460 किलोमीटर है और यह निजामाबाद से जगदलपुर तक जोड़ती है। दोस्तों जो नेशनल हाईवे 17 है उसकी लंबाई है 1269 किलोमीटर और यह पानवेल से इदपल्ली को जोड़ती है। और दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग जो 17A है उसकी लंबाई 19 किलोमीटर है और यह जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के पास से कोटलम से मड़गांव को जोड़ती है। आगे दोस्तों हम देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग जो 17B है उसकी लंबाई 40 किलोमीटर है, यह पोंडा से वास्को तक जोड़ती है। और राष्ट्रीय राजमार्ग जो 18 है उसकी कुल लंबाई है 369 किलोमीटर और राष्ट्रीय राजमार्ग यह दोस्तों क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के पास से कुरनूल से राष्ट्रीय राजमार्ग 4 के पास चित्तूर तक को जोड़ती है। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय राजमार्ग के जो 7 है उसको राष्ट्रीय राजमार्ग 4 के पास चित्तूर से जोड़ती है। दोस्तों आगे आता है हमारा 18A नेशनल हाईवे 18A तो इसका जो लंबाई है वो है 50 किलोमीटर और यह तिरुपति से पुथलपट्टू तक को जोड़ती है, पुथलपट्टू तक जोड़ती है। आगे दोस्तों हम देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग जो 19 है इसकी लंबाई दोस्तों है 240 किलोमीटर, कितनी है 240 किलोमीटर और यह गाजीपुर से पटना को जोड़ती है, गाजीपुर से पटना को जोड़ती है। आगे दोस्तों हम देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग जो 20 है उसकी लंबाई कितनी है 220 है
और यह पठानकोट से मंडी तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो 21 है, इसकी लंबाई है दोस्तों 323 किलोमीटर और यह चंडीगढ़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 22 से मनाली तक को जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों 21A है, इसकी लंबाई 65 किलोमीटर है और यह पिंजौर से स्वार घाट तक को जोड़ती है। आगे दोस्तों है राष्ट्रीय राजमार्ग जो 22 है, उसकी लंबाई कितनी है 459 किलोमीटर, कितना है 459 किलोमीटर और यह अम्बाला से भारत चीन सीमा के पास शिवकिला दर्रा और दोस्तों जो तक राष्ट्रीय राजमार्ग है इसकी लंबाई कितनी है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 23 की लंबाई है दोस्तों वो है 459 किलोमीटर और यह चस से राष्ट्रीय राजमार्ग 42 के संगम तक जोड़ती है। आगे दोस्तों हम देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग जो 24 है, उसकी लंबाई दोस्तों है 438 किलोमीटर या दिल्ली से लखनऊ तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24A दोस्तों 17 किलोमीटर और यह बक्सी का तालाब से चिन्नहट तक और राष्ट्रीय राजमार्ग 28 और तक और दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग जो 25 है, इसकी लंबाई है 352 किलोमीटर और यह लखनऊ से शिवपुरी तक है। आगे दोस्तों देखते हैं कि जो नेशनल हाईवे हमारा 25A है, उसकी लंबाई 31 किलोमीटर है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग को 25वें बक्सी तक जोड़ती बक्सी के तालाब तक जोड़ती है। और दोस्तों आगे है राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमारा 26 है, उसकी लंबाई है 396 किलोमीटर और यह झांसी से लखनादौन तक जोड़ती है, लखनादौन को जोड़ती है। दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग जो 27 है, उसकी लंबाई 93 किलोमीटर है और यह इलाहाबाद से मंगावन तक को जोड़ती है। और दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग जो 28 है, ये बरौनी के पास से राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से लखनऊ को जोड़ती है। आगे दोस्तों हम देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमारा 28A है, इसकी जो लंबाई है वह 68 किलोमीटर और यह पिपरा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 28 से भारत नेपाल सीमा तक को जोड़ती है। आगे दोस्तों हम देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग जो 28B है, इसकी लंबाई दोस्तों है 121 किलोमीटर और यह छपवा से छपरा से राष्ट्रीय राजमार्ग 28A के पास से बाघा तक और दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग जो 28C है, उसकी लंबाई दोस्तों है 184 किलोमीटर जो कि बाराबंकी से नेपाल सीमा तक को जोड़ती है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो और आपका अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।